Dear students, good morning. हम आपको 10th के लिए कुलब्रियम रासायनिक साम चैप्टर पढ़ा रहे थे. आज का जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स थर्मोडायनेमिक डेविएशन. किस तरह से थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन. उष्मागतिक व्युत्पत्ति लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में आप सब जानते हैं. वुडवर्क और वागे ने 1867 में दिया था. ये क्या है हम बता देते हैं आप मौखिक रूप से. वैसे तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा. नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती हो. क्लियर. एक्टिव मास के क्या होता है, समानुपाती होते हैं. एक्टिव मास जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके सक्रिय द्रव्यमान हैं एक्टिव मास, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है. यहां सक्रिय द्रव्यमान से तात्पर्य क्रियाकारकों की मोलर कंसंट्रेशन से, मोलर सांद्रता से. अब आप थोड़ी देर हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका उष्मागतिक व्युत्पत्ति करेंगे. लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए हम आप ध्यान दीजिए, निम्न अभिक्रियाओं पर ध्यान दीजिए. जो अभिक्रिया हम आप दर्शाने जा रहे हैं ध्यान दीजिए. माना कोई अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया N1A प्लस N2B अभिकारक रिएक्शन करके N1 प्रोडक्ट C और N2 प्रोडक्ट D बनाते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम यहां RF लिखेंगे. अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान अभिकारक A है ध्यान दीजिए इस पर पावर क्या है, एंड अभिकारक बी समानुपाती हटाएंगे तो रेट कॉन्स्टेंट KF A एंड B एंड. क्लियर. KF अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड पश्च अभिक्रिया का वेग RB. बैक लिख देंगे समानुपाती C M1 D M2. क्लियर. और यदि हम इसका समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहां KBC M1 D M2 KB पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है. अब बात आती है यदि साम्य की स्थिति हो, अगर अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग बराबर हो जाता है तो साम्य स्थिति हो जाएगी. तो साम्य स्थिति पर रेट ऑफ दी फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ दी बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा. तो कैन वी कैन राइट KF A एंड B M2 बराबर KB C M1 और D
एम टू, ठीक है, के एफ अपॉन के बी बराबर सी एम वन डी एम टू अपॉन ए एन वन बी एन टू, के एफ अपॉन के बी साम्य स्थिरांक, क्या है यह साम्य स्थिरांक, इसको हम साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। देन के इक्विलिब्रियम बराबर सी एम वन डी, सेम वैसा कैसे लिख दीजिए, बराबर ए एन और बी एन टू, एम आई क्लियर, ये साफ दिख रहा है, इसको हम पहले वीडियो में बता चुके इस बात को, ये द्रव्यमानपाती का नियम है, क्या है ये द्रव्यमानपाती का नियम है, सामान्य रूप से के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, क्योंकि यहां सांद्रता मोलर सांद्रता में ली गई है, क्या लिया गया है सांद्रता को यहां मोलर सांद्रता में, तो हम इस के इक्विलिब्रियम के स्थान पर केसी भी लिख सकते हैं, यदि आंशिक दाब लेंगे तो के भी लिखा जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं के सी सी एम वन डी, ध्यान दीजिए एम टू और ए एन वन बी एन टू, ये भी द्रव्यमानपाती का नियम है, तो यही द्रव्यमानपाती का नियम है। अब इस द्रव्यमानपाती का नियम को हम ऊष्मागति की व्युत्पत्ति करें कैसे करेंगे, थर्मोडायनेमिकली कैसे इसको निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा लंबा प्रोसेस में इसको बैठा देता हूं, मान लीजिए उन्हें वही लिखेंगे, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कोई, क्लियर, इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हम गिब्स ऊर्जा परिवर्तन की बातें करेंगे, किसकी बात करेंगे, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, या कह सकते हैं मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन चेंज, फ्री एनर्जी चेंज, इंग्लिश वाले देखेंगे, डेल जी बराबर जी प्रोडक्ट लिख सकता है और जी रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कौन सा, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट ए और बी, देन डेल जी बराबर एम वन जी सी प्लस एम टू जी सी डी, गिब्स एनर्जी रिएक्टेंट सी, सॉरी प्रोडक्ट सी और गिब्स एनर्जी फ्री एनर्जी प्रोडक्ट डी, इसी प्रकार से रिएक्टेंट की बात कर लेंगे एन वन जी ए प्लस एन टू जी बी, समीकरण ए, धीरे धीरे समझिए, यदि मानक दशा हो, स्टैंडर्ड कंडीशन हो, स्टैंडर्ड कंडीशन, देन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी डेल जी जीरो लगा देते हैं ना, बराबर
डेल जी वही प्रोडक्ट की और डेल जी वही रिएक्टेंट की सेम बातें हैं। देन डेल जी ध्यान दीजिए, इधर मैं सेम वही लिखूंगा एम जी जीरो प्लस एम टू जी जीरो डी, क्लियर, माइनस एन वन जी ए स्टैंडर्ड एन टू जी बी स्टैंडर्ड, क्लियर। अब हम जानते हैं अब गिब्स एनर्जी और मुक्त ऊर्जा में क्या संबंध होता है। सॉरी, गिब्स एनर्जी जिसको हम यहां फ्री एनर्जी कहते हैं, एक्टिविटी में क्या संबंध होता है वो ध्यान दीजिए। किस किस के मध्य वी नो ये क्या है, गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा है। मान लीजिए कि स्पेसिस आई है डेल जी आई जीरो प्लस आर टी इन एक्टिविटी, ये संबंध होता है। क्या संबंध होता है, आई कोई स्पीसीज है उसकी फ्री एनर्जी, आई स्पीसीज के स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, आर टी और ए आई एक्टिविटी ऑफ आई स्पीसीज। यहां स्पीसीज कितनी है हमारे, ए बी सी और डी, देन जी ए बराबर जी ए स्टैंडर्ड प्लस आर टी ए एक्टिविटी ऑफ ए, जी बी जी बी स्टैंडर्ड प्लस लिखते हैं ऐसा ऐसा जी सी सी आर टी एस सी जी डी, ध्यान दीजिए जी डी जीरो प्लस आर टी ए डी। अब गिब्स एनर्जी जिनको हम यहां फ्री एनर्जी कहते हैं और एक्टिविटी के मतलब ये संबंध, एम आई राइट, प्रत्येक स्पीसीज के लिए हमने गिब्स ऊर्जा और एक्टिविटी के मत ए एक्टिविटी बी एक्टिविटी सी एक्टिविटी डी के लिए। अब इन एक्टिविटियों का मान जो जी ए जी बी जी सी और जी डी ए समीकरण एक में रख लें, इसका मान का मान समीकरण एक में कैसे रखेंगे, जो समीकरण एक है जी सी की जगह जी सी रखेंगे, जी डी की जगह जी डी रखेंगे, जी ए की जगह जी ए रखेंगे, और जी ए जी बी जी सी एंड जी डी का मान समीकरण एक में रखने पर ध्यान दीजिए, थोड़ा लंबा है कार्य जी, एम भाग जी सी बराबर क्या होता है बच्चों, दिस जी सी जीरो प्लस आर टी ए सी, ओके एम टू प्लस एम टू जी डी, दिस जीरो प्लस आर टी ए डी, ओके क्या बचा, माइनस इसको हम बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे, माइनस माइनस एन बाहर ले लिया जीए का मान, दिस जीए का मान जी ए जीरो आर टी ए ओके प्लस एन टू जीबी का क्या है, ये जीबी का मान है जीबी जीरो आर टी नेचुरल लॉग बी,
एम आई राइट? हमने जीसी जीडी जीए जीबी का मान रख दिया। अब ध्यान दीजिए, इसको हम खोलेंगे, लंबा प्रक्रिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको खोलेंगे तो एम वन जी जीरो सी, ठीक है, इसको खोलेंगे एम वन आर टी ए सी, एम एन राइट, इसको खोलिए एम टू जी डी जीरो प्लस एम टू आर टी ए डी, एम एन राइट। ये खोल लिया हमने, अभी निचले वाला खोलेंगे माइनस एन जी ए जीरो प्लस एन वन आर टी ए वन प्लस एन टू जी डी बी जीरो प्लस आर टी ए बी, एम आई राइट। अब आप ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलेंगे एन टू इससे और इससे, एन वन इससे और इस टर्म से, एन टू इससे और इस टर्म से, तो ये टर्म प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इनको, जो एम वन टर्म है एम वन जी जी सी एम टू जी बी एम वन जी ए और एम टू जी बी वो एक साइड में ले जाएंगे, अर्थात पुनर्व्यवस्थित करने पर, रीअरेंजमेंट करने पर, रीअरेंजमेंट इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जी बराबर एम वन जी सी जीरो प्लस एम टू जी डी जीरो, ओके। दूसरे ये ले लिया, अब माइनस एन वन जी ए जीरो प्लस एन टू जी बी जीरो, ओके, ये ले लिया हमने, दिस 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 एंड दिस। अब हम लेंगे दूसरी टर्म, दिस दिस दिस, जो आर टी वाली है ना वो लेंगे, एन टू लेते हैं, एन टू या एन टू, बच्चों ध्यान रखना, प्लस इसको हम बड़े कोष्ठक में डाल देंगे, प्लस एम वन आर टी ए सी प्लस एम टू आर टी ए डी, ठीक है, माइनस एन वन आर टी ए वन प्लस एन टू आर टी ए बी, ओके, एम आई राइट। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, देख लीजिए। तो हम इसके स्थान पर जो इस समीकरण है इसके ये पोर्शन डेल जी के बराबर, देन डेल जी बराबर डेल जी जीरो, ये किसके बराबर, डेल जी, ये हम डेल जी लिख दिया, क्लियर।
और जो शेष मान है बचा क्या, प्लस आर टी नेचुरल लॉग कॉमन है सब में, तो हमने ले लिया आर टी नेचुरल लॉग। ओके, अब ऊपर राशि हमने एक्टिविटी ए सी, हमने इसको घातांक किया एम वन, एक्टिविटी ऑफ ए डी हमने इसको घातांक किया एम टू, ये माइनस में है इसलिए इसको नीचे लिख देंगे एक्टिविटी ऑफ ए एन वन और एक्टिविटी ऑफ बी एन टू। अब ध्यान दीजिए, जो मानक दशा होती है, मानक दशाओं में बेल जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। साम्य स्थिति पर इसका मान क्या होता है, बेल जी का मान क्या होता है, साम्य स्थिति में शून्य होता है। तब डेल जी ऊपर लगा देता हूं, डेल जी जीरो बराबर माइनस आर टी, जो ये मान है दिस, ये राशि, ये राशि पुनः लिख देते हैं ए डी एन टू अपॉन ए एन वन और ए एन टू। चूंकि यहां मानक दशा की बात स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो स्टैंडर्ड दशा कंडीशन में जो डेल जी का मान एक नियत ताप पर कांस्टेंट है, एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर डेल जी का मान इस तरह तक कांस्टेंट है। ये लेफ्ट साइड की राशि कांस्टेंट है तो राइट साइड की राशि जो ये है ये भी कांस्टेंट है। ये किसके बराबर है, सम स्थिरांक एसी एम वन और ए डी एम टू अपॉन ए ए एन वन और ए बी एन टू। यही बातें हैं जो आपको हमने दर्शा रही है, यही लॉ मास एक्शन जो आपको यहां दर्शा रहे, यही दरअनुपाती का नियम है कि नहीं। यदि हम और आगे लिखे तो इसका मान क्या लिख सकते हैं, डेल जी जीरो माइनस बराबर माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सम स्थिरांक, केसी लिख लीजिए वो लिख लीजिए, क्यों हम मोलर सांद्रता लेंगे तो यहां केसी लिख देंगे, यहां एक्टिविटी ले रखी है स्थिरांक लिख देंगे। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ मास एक्शन की उष्मागतिक व्युत्पत्ति करते हैं। क्लियर, कोई समझ में नहीं आया तो मैं यूट्यूब चैनल पर जाकर समझिए, बिल्कुल दे रखा है हमने इस वीडियो में, हमने आपको समझाया लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और उसका उष्मागतिक की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं प्रोफेसर रामनंद यादव, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज अलवर राजस्थान। आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद रामनंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ समझ में नहीं आए तो आप निश्चित रूप से बिना भय के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, मैं और सुधार करूंगा अपने वीडियो को। लेकिन आप मेरा प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक वीडियो देखना चाहिए, ये इस चैप्टर का हमारा तीसरा वीडियो, आप देखिए एक दूसरे से लिंक ही सारे जुड़े हुए, पहला वीडियो समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा, दूसरा समझ में आ गया तीसरा समझ में आ गया। तो ये था आज का टॉपिक, घबराने की कोई बात नहीं। आप मोना प्रकाशन जो प्रकाशित पुस्तकें अलवर से करता है उसकी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़िए, सारी केमिस्ट्री पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हंसीए मुस्कुराइए, बेस्ट ऑफ लक।